वक्त की बड़ी खबर कोरबा से आपको दिखाते हैं, जहां कनकी मेले में युवक की सरेआम पिटाई की गई है। युवतियों ने जमकर पिटाई की, वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी युवक दे रहा था। मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीर आप देखेंगे किस तरीके से जो युवतियां हैं यहाँ पर, वो मिलकर एक युवक को बेदर्दी से पीटती हुई नजर आ रही। बताया ये जा रहा है कि युवतियों को वो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था वीडियो बनाने के बाद, जिसके बाद उसकी बेदर्दी के साथ युवतियों ने पिटाई की है। तो पिटाई का वीडियो सामने है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, क्या है ये पूरा मामला, क्या धमकी दे रहा था, कौन सा पूरा मामला था ये? देखिए देवसी, युवतियाँ जो है ये सोमवार के दिन में कनकी गई हुई थी, उसी किसी बात कुछ इन चीजों को जगह इनका विवाद हो गया था किसी वजह से। इसके बाद में युवक ने वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम में अपलोड कर दिया, जिसको लेकर के युवतियाँ नाराज थी। और उसके बाद में युवक का पता जाने के बाद में पहले उसे घंटा घर से चौपाटी बुलवाया गया, और बाद में उसे इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किया गया। और जब युवतियाँ जब संख्या बढ़ गई, उसके बाद उनके सहयोग संख्या बढ़ गई, उसके बाद युवक की परिवार की पिटाई करने की जब आसपास लोगों ने इस बात में पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस ने मौके पहुंचे, बीच बचाव किया और जो युवतियां थी उनको थाने जाकर समझाइश दी गई। धीरज, लेकिन जैसे कि आपने भी बताया कि युवक यहां पर वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा था, तो क्या युवतियों ने पुलिस में शिकायत नहीं की थी इस बात की? युवतियों ने इसको अपने अपने जगह में सबक दिखाने का ठाना, जिसके बाद युवक का पता करने के बाद में उसको फोन करके उसको घंटा घर बुलाया गया, उसके फिर मारपीट की घटना को अंजाम दी गई है। फिलहाल जो है पुलिस ने युवतियों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है, उनको समझाई देकर उनको वापस घर भेज दिया गया है। चलिए धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सुना दीदी, पुलिस को बुला लो, पुलिस को बुला।